चल भाई वो ब्रेक ली, चल अब लांबूगा झांझरिया, उसकी झलक गई चुंदरी भी, सर से सरक गई चुंदरी भी। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो गाइज, वैसे आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज मतलब मेरी बहुत ही पसंदीदा और प्यारी सी कोई गेस्ट आ रही है। और गाइज, और मुझे मैं पूरा 100% श्योर हूँ कि आप लोग भी इस छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी सुपर टैलेंटेड गेमीरेस गेस्ट को देखकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। सो गाइज, आइए मैं आप लोग को मिलाती हूँ। वैसे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी हम उसका वेट कर रहे हैं कि कब आएगी। So guys, stay tuned. Yay, super excited. So guys, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोल दिया था कि आज मैं किसी सुपर टैलेंटेड प्यारी सी क्यूट सी गेस्ट को मेरे इस ब्लॉग में आप लोग के सामने दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, शी इज नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सुपर क्यूट आद्याश्री उपाध्याय। ओके, सो गाइज, यही है आज की मेरी प्यारी सी क्यूट सी गेस्ट। सीरियसली गाइज, आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आद्याश्री आज मेरे ब्लॉग में आई। वैसे आद्याश्री का शेड्यूल तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है ना, हमेशा इसको कहीं प्रोग्राम करते हैं, इंटरव्यू कहीं पर कुछ, लेकिन आज मतलब मेरे घर के पास ही कुछ कहीं पर तुम्हें बुलाया गया था ना, माधुरी मैम, मतलब माधुरी मैम के मायके, मतलब ससुराल मायके में। अच्छा, मायके में कुछ पूजा था। हाँ, तो इसीलिए तो मुझे पता चला, तो मैंने जस्ट इसे बुलाया ही। तो इतनी प्यारी सी, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे दिखने में प्यारी है, इनका इसका बिहेवियर ही उतना ही प्यारा है। मतलब कि इतने ऊँचे स्टेज में, आप लोग को सबको पता ही होगा कि आद्याश्री उपाध्याय सेकेंड रनर अप हुई थी, कौन सा सुपर डांसर ना, डी आई डी डांस में, डी आई डी लिटिल मास्टर में 2022। यस, हाँ। सो अभी तुम बोलो कुछ। तो आप लोग दीदी का चैनल, आपका चैनल का नाम अनिशा छेत्री ऑफिशियल, अनिशा छेत्री ऑफिशियल में आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। और वैसे मतलब सच में मैं तो, मुझे अभी तक ऐसा गुजबम्स आ रहा है, मैं नर्वस भी हो रही हूँ। देखिए गाइज, टैलेंट बोलता है ये सच में, बिकॉज ये तो कितनी छोटी है ना मुझसे, फिर भी मैं आज नर्वस हूँ इसके आगे, बिकॉज शी इज़ सुपर टैलेंटेड। एंड लाइक, मैं रोज जिसे फेसबुक में देखती थी, जिसका फेसबुक लाइव देखती थी, जिसका रील्स देखती थी, लाइक कॉमेंट्स करती थी, आज मतलब वो पास में बैठी हुई है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे व्लॉग में, मतलब डिफरेंट फीलिंग। सो वैसे अभी तुम कितने क्लास में हो? मैं अभी क्लास 2। क्लास 2, ओके। तुम्हारा घर वैसे जगह कौन सा था? सिला पत्थर। हाँ, तो अभी तो हम गुवाहाटी में है, मेरा घर गुवाहाटी, तो सिला पत्थर यहाँ से बहुत दूर है। सो आप लोग गाइस, मतलब आज बहुत ही मज़ा आ रहा है आद्याश्री से मिलने। वैसे आद्याश्री बहुत थक भी गई है ना। वैसे आद्याश्री का वैसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट बोल तो नहीं सकोगी, फिर भी अभी क्या कर रही हो? अभी मैं डांस कर रही हूँ दिलीप डांस एकेडमी, जहाँ पे बहुत अच्छा डांस सिखाते हैं। आप लोग को अगर सीखना है तो दिलीप डांस एकेडमी में जरूर आइएगा, और आप लोग वहाँ से आप सीख सकते हैं। और वैसे हाँ, मेरा भी एक सवाल, पर्सनल सवाल, तुम मुंबई में थी ना जब ये डांस का वो हुआ था शो, हाँ, तो वहाँ पर तुम किस किन सेलिब्रिटी से मिली? ऐसे तो अभी बता नहीं सकती, पर गोविंद से मिली हूँ, रणवीर कपूर और माय फेवरेट, और बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिली हूँ, रेमो पापा। हाँ, तुम्हारा तो पापा बना दिया ना उन्हें, रेमो डिसोजा, और सोनाली बिंद्रे मैम, मोनी मैम, तुम्हें तो सभी इतना प्यार करती थी, और इतना फेमस थी तुम ना सब में, तो सच में। और वैसे हमारी गोरखा गर्ल है, आसाम की गोरखा गर्ल, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी एज में आद्याश्री ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो सच में शी इज़ अ वेरी लाइक इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और वैसे आप देख सकते हैं अभी चॉकलेट खा रही है। सो वैसे आद्याश्री के घर में कौन कौन है? हम लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं, तो हमारे घर में बुआ, मतलब एक पर्सन बात है, मेरी बुआ की जो लड़की है छोटी सी 4 साल की, उनका थोड़ा बीमार था, ठीक है, बीमार था थोड़ा, गला मतलब ऐसे चलती थी, पेट थोड़ा हो रहा था, तो इसीलिए वो अभी हमारे बीच में नहीं है, तो इसीलिए बुआ अभी किसी और को अडॉप्ट करने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं हूँ।
पूजा आज मैं पूजा में आई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि एक बार बहन से मिल जाए। मैं बार बार घर नहीं जाती हूँ, तो मैं चाहती थी कि एक बार बहन से मेरा बात हो जाए। बीमार थी पर एक बार बहन से बात हो जाए, पर नहीं हो पाया, तो इसीलिए। ओके, सो स्वीट ऑफ यू। और वैसे हमने वहाँ पे देखा था, क्या बोलते हैं, DID लिटिल मास्टर में तुम्हारे दादा और दादी थे ना, तुम्हारे साथ गए थे, वो लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ बोलो। दादा और दादी मतलब मम्मी पापा कभी कहीं जाते थे अपने दुकान के लिए शॉपिंग करने कहीं जाते थे, और दादा दादी मुझे संभालते थे। मैं बोलती थी दादा आप बैठिए, दादी आप भी बैठिए और आप मेरा डांस देखिए कैसा होगा, कमेंट करना है, ठीक है। तो ऐसा करके मैं डांस खुद कर लेती थी। वैसे तुमने मतलब उतना ज़्यादा सीखा भी नहीं है ना? उतना ज़्यादा भी नहीं सीखा, मतलब तो ज़्यादा दी है ना, वो मेरी बुआ की लड़की, मतलब वो मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलती, मम्मी पापा के साथ ना सोती है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, खाली उनको बस दादाजी और दादी जी चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। अच्छा, तो सच में आप लोग देख सकते हैं इतनी छोटी सी लेकिन इतनी बातें इतनी मैच्योर तरीके से करती है, तो सच में आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे गाइस मैं व्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती बिकॉज अभी थोड़ा लेट भी हो चुका है, और आदर्श वैसे आज अपने पापा के साथ आई है, उनके पापा दूसरे में बैठे हुए। मम्मी मेरी गाँव में रहती, मैं पापा के साथ यहाँ रहती हूँ, गुवाहाटी में ना। हाँ, तो मैं देखती रहती हूँ, तुम वैसे बैल्कनी में वहाँ पर रील्स बनाते रहती हो, पानी वाला जो था। हाँ, वैसे सच में कितनी लकी भी है ना, मम्मी बस कितने सपोर्टिव है, तो सच में वैसे टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइज, इसी के साथ मैं आदर्शी को बेस्ट विशेस दूंगी कि उसके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें वो एकदम फाड़ू, मतलब बहुत ही अच्छा करे, और साथ में उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस। वैसे विशेस तो हाँ जरूरी है, पर फिर भी ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी है तो मैं जो बोल रही हूँ मुझे कम ही जैसा लग रहा है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का मेरा व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को अगर आज हमारा ये आद्याशी के साथ अच्छा लगा ये बातचीत चिट-चैट, तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। और गाइस, वैसे मैं और ज़्यादा बातें करती आद्याशी के साथ लेकिन उन्हें फिर लेट भी हो जाएगा बिकॉज उन्हें जाना भी है, वैसे रात भी थोड़ा हो चुका है। ओके, तो तुम कुछ बोलोगी? तो अभी हम लोग एंड करते हैं ब्लॉग को, तो आप लोग दीदी का चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और दीदी जो जो कमेंट देने वाले मतलब आप लोग कमेंट दीदी बोलेगी कि आप लोग ये कमेंट देना, तो आप लोग जरूर देना। थैंक यू, बाय बाय। आद्याश्री उपाध्याय सुपर टैलेंटेड सुपर डांसर। मैं आई हूँ और यहाँ पे बहुत सारे मेरे फैन आए हैं और ये बहन भी आई है, तो अभी यहाँ पे अभी मैं जाऊँगी। बाय बाय। हमारे घर में है आदर्श जी, लुक एट योर बेबी।